प्रॉपर सेटअप बनाया बट मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई और मैं आधे जो है वो थोड़े से मैं खा। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो रूटीन व्लॉग होने वाला है और सारा दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। स्टे ट्यून दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे कि मैं किचन क्वीन हूँ और बस आप सबने ही मुझे ये उपाधि दी है। तो बस अभी फिर से मैं जाने लगी हूँ अपने वर्क प्लेस पे यानी अपनी किचन में और आज मैं देखिए क्या बनाने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट कर लो गाइस। तो दोस्तों यहाँ बन रहे हैं गरम गरम पराठे और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाई बट मैंने सोचा कि आज मैं स्टार्टिंग कर दूँ ब्लॉग की। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और बस यहाँ पर रखा है पोहा दोस्तों और इसी को बनाऊँगी मैं अपने लिए और पराठे बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो पतिदेव के लिए बन रहे हैं पराठे और मैं अपने लिए बनाऊंगी पोहा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने बहुत लेट नाइट डिनर कर रही हूँ मैं आजकल और उसी वजह से मेरा मुंह देख सकते हैं आप गोलगप्पे जैसा हो रहा है। और कहते हैं ना जितनी लेट नाइट डिनर करोगे उतना आप फूलोगे, फूल के बहुत मोटे हो जाओगे। तो बस वही मेरे साथ हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ मैं, मतलब पतले होने का नाम नहीं आ रहा। इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपना 5-6 किलो वजन कम करूँगी बट 1 किलो भी बिल्कुल नहीं गया दोस्तों। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि जल्दी से वेट कम हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पराठे बनाने के बाद जल्दी जल्दी से फिर पोहा बना। तो यहाँ पर दोस्तों देख ही लिया आपने, बन रहे हैं गरम गरम पराठे और साथ में मैंने बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्जी और वो मैंने दिखाई नहीं और मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि वो भी दिखानी थी। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे ना कईयों ने कमेंट किए कि आप ना जो कुछ भी बनाते हो ना वो आप ना खाते हुए भी दिखाया करो। और बस फिर इसके बाद जो मैंने पोहा बनाया ना तो उसको मैंने पूरा ही शूट किया है और वो बिल्कुल बेसिक स्टाइल से बनाया है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब मैंने ये सोचा कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अनमोल को भी पोहा जो बनाऊंगी तो देखती हूँ वो खाता है कि नहीं खाता, दे लेट्स सी। और यहाँ पर जो है पराठे हस्बैंड के लिए तैयार हो रही है लंच के लिए और सुबह सुबह ना मुझे 9 बजे जो है मेरा ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है रूटीन जो कुछ भी मुझे बनाना है। और कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन तो मैं रात को ही करके रखती हूँ बट जैसे सब्जी वब्जी बनानी है तो मैं आलू और अनियन वगैरह को मैं रात को ही कट करके ना और एयर कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है मतलब इतना कुछ टाइम नहीं होता कि एकदम से बना पाऊँ तो बस यहाँ पर पोहे की प्रिपरेशन चल रही है। और इस बार जो पोहा बनाऊँगी वो बिल्कुल मतलब ना खड़ा खड़ा नहीं बनाया, इस बार बिल्कुल गला गला सा बनाऊंगी ताकि वो खिचड़ी की तरह बन जाए और अनमोल उसको खा ले। और ये मेरे फर्स्ट टाइम मैं उसको पोहा देने वाली हूँ और बस ठीक ठीक ही बना था, कुछ इतना खास नहीं बना था। और उसने 1-2 स्पून ही खाया था, मतलब इतना नहीं खाया। और फाइनली ये देख सकते हैं आप, अनियन मैंने डाल दिए थोड़ा राई डाल के और इसको थोड़ा रेड होने तक, उसके बाद मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूंगी। और साथ साथ मेरा ना और भी काम चलता रहता है दोस्तों, सुबह का टाइम ऐसा होता है ना बस मतलब उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती हूँ, मतलब 8 बजे से लेके 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर 1 घंटा मैं 1-1.5 घंटा एडिटिंग के बाद दोबारा लग जाती हूँ और जिस दिन मुझे ब्लॉग वगैरह शूट करना होता है। तो बस फाइनली जो है अब इसमें ऐड करूँगी टमाटर और 2 टमाटर ऐड करने चाहिए थे, खटास कम रह गई थी तो मैंने 1 ही ऐड किया। और वैसे पोहा में टमाटर ने मतलब इतनी नीड नहीं होती बट मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल देती हूँ, ये पोहे का मसाला जो है वो मिलता है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, उससे अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो बाय द वे वैसे तो अच्छा था पोहा बट मुझे खड़ा खड़ा और वो जो मूंगफली वगैरह डाल के बनाते हैं वही अच्छा लगता है बट ये जो है अनमोल के लिए बनाया था तो बस वो थोड़ा मतलब
खिचड़ी टाइप बना दिया था, अभी आप देख ही लेंगे। और फाइनली पोहा जो है मैंने डाल दिया इसके अंदर, और बस इसको थोड़ा सा वो कर रही हूँ। और मैंने बिल्कुल नींबू इसमें ऐड नहीं किया, लास्ट में नींबू ऐड करते हैं, मुझे लगा पता नहीं खाएगा या नहीं, क्योंकि खट्टी चीज़ें तो वो बिल्कुल नहीं खाता। तो बस पोहा रेडी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा पोहा जो है वो रेडी है। तो फाइनली मैंने आज जो है खाने की भी शूट कर ली। बाहर तो जाती हूँ तो कर ही लेती हूँ, बट घर पे याद नहीं रहता, इतना काम होता है। तो यहाँ जो है भाई साहब को खिलाया मैंने पोहा, और वो फर्स्ट टाइम टेस्ट देख रहा है ये क्या है, मतलब कुछ अलग है। और दोबारा खिलाया तो उसने खा लिया, बस थर्ड टाइम नहीं उसने खाया। मैंने एक हरी मिर्च इसमें ऐड की थी और वो शायद बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, तो उसे मिर्च लगी और इसी वजह से उसने नहीं खाया। वैसे वो हल्की मिर्ची खा लेता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा पाता। और ये देखिए मैं 2 मिनट के लिए उसके लिए पानी और अपने लिए चाय लेने गई हूँ, और उसने ना मतलब स्पून ही पकड़ लिया है, और खाना वाना होता नहीं है। बस शरारतों में इनका ध्यान होता है, तो बस इसको ना जब भी खाना खिलाना होता है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, नाराज़ हो गया मेरे से। जब ये नाराज़ होता है तो फिर ये बिल्कुल लेट जाता है ज़मीन पर, और बस ये इसी पोजीशन में अब कितनी देर तक लेटा रहेगा कि मैं नाराज़ हूँ, और फिर इसको मनाना पड़ता है। और यहाँ पर मम्मी डैडी भी देख रहे थे कि इसको, मतलब उनको बड़ी परेशानी हो जाती है कि भाई जो ये कह रहा ना वो करके दो हैं। तो आप सब जानते ही है दादू दादी का प्यार है अपने पोते के लिए। और यहाँ मैं देखिए इसके साथ लगी रहती हूँ, बट ये कुछ नहीं खाता मुझे, इसके लिए बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को खाना खिलाना ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो बस उसने नहीं खाया तो बस फिर मैंने ही इसको ख़त्म किया, और उसके साथ पी मैंने चाय। और चाय तो मेरी ना दिन में मतलब सुबह ही 2 कप हो जाती है, एक बार तो मैं उठ के नहा धो के पी लेती हूँ थोड़ी सी, और फिर मैं ब्रेकफास्ट के साथ भी ज़रूर लेती हूँ। तो बस अब दोपहर का टाइम हो गया है, और दोपहर डायरेक्ट ये खेत से, मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है ना वो, उसके बाद ये हमारे पास आई है। तो आज मैं इसको बनाने वाली हूँ, और पहाड़ों में इसकी खेती ज़्यादा होती है तो ये पहाड़ से ही आई है दोस्तों। और मुझे, मैंने ये खाई है वहाँ पे, और पहाड़ों में ना ये सर्व करते हैं जब भी किसी के यहाँ शादी होती है ना, तो पहाड़ों में ना जब मैं गई हूँ एक दो शादी में पहाड़ों में, तो वहाँ पर पत्तल होता है ना जो, उसके अंदर राइस पहले सर्व करते हैं, उसके बाद ये दाल, और उसके साथ साथ मतलब फिर उसके साथ आप खा लेंगे, इतने सारे राइस सर्व करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी उसमें दाल डालेंगे, फिर जब आप उसके साथ खा लेंगे फिर आपको कोई और सब्जी सर्व करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और सर्व करेंगे, मतलब ऐसे सर्व करते हैं। और इतना टेस्टी और मतलब न्यूट्रिशियस होता है ना वो फूड, बस बता नहीं सकती हूँ, और सुपर टेस्टी। और रिसेंटली मैं अभी कल शादी में गई थी ना, तो वहां पर भी क्या था, धुली उड़द की दाल होती है येलो वाली, वो बनी हुई थी, और मैं सच बात बता रही हूँ मैंने इतने से राइस और दाल के साथ खाए, मुझे बहुत टेस्टी लगे। इतनी गर्मी में ना मतलब मन नहीं करता तला वाला खाने का, अब मन करता है बिल्कुल लाइट हल्का और ठंडा ठंडा मिल जाए बस। और जैसा कि देख ही सकते हैं उत्तर भारत में फिर से इतनी गर्मी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि सर्दी इस बार इतनी पड़ी है, तो वो तो ऑब्वियस ही है कि ना इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है। तो लेट्स सी क्या रहता है, अभी से ही बुरे हाल हो गए हैं, अभी अप्रैल है और पता नहीं आगे जून जुलाई में क्या होगा हमारा। बस जल्दी से इसके प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, और ये व्लॉग जो है सुबह के बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो दाल को मैंने डाल दिया कुकर में, और बस 2 चम्मच नमक डाल के इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ी सी हींग भी इसके साथ ऐड करूंगी। और ऑयल इसलिए डालती हूँ, सरसों का तेल ही डाल देती हूँ दोस्तों, वो ऑयल इसलिए डालती हूँ कि जब विसल लगती है तो पानी बाहर आता है ना, तो वो इससे बाहर नहीं आता। दूसरा मतलब जो भी दाल है वो भी बहुत खिली खिली बनती है, मतलब अच्छा टेक्स्चर आता है दाल का। और बस दाल को चढ़ा दिया, और साइड बाय साइड अब चल रहे हैं काम। तो अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और साथ साथ किचन की भी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदी किचन में ना मेरे से काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपने देख ली, उबल गई है दाल ऑलमोस्ट, और बस थोड़ा सा मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि तड़का लगाने के बाद मैं 2 सीटी और दिलवाती हूँ दाल को ना,
उससे मतलब सारा कुछ ऑलमोस्ट कुक हो जाता है। तो बस यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ और टमाटर में इसमें ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो मैंने 4 टमाटर ऐड किए हैं। और मतलब अच्छा बनाने के लिए फिर मैंने एक प्याज, बड़े वाला प्याज, और ये लाल मिर्च जो होती है ना उसका मैं तड़का लगा रही हूँ। इसमें लाल मिर्च मैंने डाल दी है, थोड़ा सा मैं मेथी दाना यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया, ये देख सकते हैं आप, ये डाल दिया मैंने। और ये मैं पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ, तो मतलब ऐसे बना रही हूँ। और लहसुन को मैंने पहले डाल दिया, और इसको जब तक लाल नहीं होते ना तब तक इसको भुनेंगे, और उसके बाद डालेंगे प्याज गाइस। और बस इसको चला रही हूँ, और इसका टेस्ट जो है ना दाल का और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इससे, मेथी दाना और जो मैंने ये लाल मिर्च डाली है और धनिया से, तो देख सकते हैं। और टमाटर और हरी मिर्च मैं ऐसे ही काटती हूँ, मतलब अब मतलब मैंने ग्राइंडर वाला तड़का नहीं लगाया, डायरेक्ट कट करके ही प्याज और टमाटर का तड़का लगाया, और साथ में राइस रख दिए, ये देख सकते हैं आप बनने के लिए। और यहाँ पर आटा भी गूंद रही हूँ, और मैं तो दाल और चावल ही खाती हूँ दोपहर में, कोशिश करती हूँ, मतलब मेरे को खाना मतलब रोटी पसंद ही नहीं है दोपहर के लंच में, मुझे राइस ही पसंद है। और बस यहाँ पर मैंने दाल को लगा दिया है तड़का, और ये तड़का देख सकते हैं आप कितना सही लग रहा है ना, मतलब बहुत टेस्टी बनी थी दाल, मतलब याद आ गई है मुझे, दोबारा बनाने वाली हूँ मैं। और थोड़ा सा नमक कम था, और बस वो ऐड किया, और राइस देख सकते हैं कितने खिले खिले से बने हैं मेरे। और साथ में बस जल्दी जल्दी रोटी उतार रही हूँ, और साइड बाय साइड मम्मी डैडी का खाना भी लगा रही हूँ मैं, और रोटी तो बस यही दोनों खाते हैं, और मैं तो बहुत शौकीन हूँ बस राइस की, तो मैं तो कहती हूँ मुझे राइस मतलब मुझे रोटी मत दो, राइस दे दो। और ज़्यादातर मैं मतलब उबले हुए वो पीच निकाल के राइस जो बनाते हैं ना वही बनाती हूँ दोस्तों, स्टार्च वगैरह भी निकल जाता है, और कहते हैं ना वाई वगैरह भी नहीं रहती है राइस में। तो बस यहाँ पर मम्मी के लिए लगाई है रोटी, और साथ में डैडी के लिए भी लगा दूँगी, और वो बिना चोपड़ी हुई रोटी मतलब बिना घी लगाए रोटी पसंद करते हैं। और ये उनके लिए फुलका तैयार किया मैंने, बस उनको दे के आती हूँ और उसके बाद मैं खाती हूँ, और मुझे बहुत ही तेज़ भूख लग गई है। और क्योंकि काम करते रहते हैं ना मतलब भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। और आज जो है ना मतलब किसी ने मुझे कमेंट किया था, ये देख सकते हैं आप, पहले खाना देख लीजिए कितना मतलब टेस्टी लग रहा है। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप खाना बनाते हैं उसके बाद वीडियो का एंड कर देते हैं, आप खाना खाते हुए भी दिखाएं, तो मैं बस आज वही करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो का टारगेट यही था कि मैं खाते हुए भी दिखाऊं। मैंने राइस तो ले लिए, और मैं बड़े देसी स्टाइल से आज खाने वाली हूँ, यानी हाथ से खाने वाली हूँ, और इसी पे मैं दाल जो है वो ऐड करूँगी। दे रही हूँ। तो ये है मेरे दाल चावल, और मैं ऐसे ही खाऊंगी इसको। तो देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं मेरे दाल चावल, और इसमें ये जो लोबिया है ना ये इस दाल में ऑलरेडी ऐड थी, मतलब ऐसी ही आई थी जब हमारे घर जिन्होंने भी हमें दिया था ये, और बस। तो दोस्तों मैंने प्रॉपर सेटअप बनाया, बट मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई, और मैं आधे जो है वो थोड़े से मैं खा चुकी हूँ, और नीचे बैठ के और हाथ से खाने का तो मज़ा ही अलग है। मतलब ये देसी उड़द की दाल है, और उसमें मैंने आपको बताया था ये पहाड़ी मतलब लोग जो हैं ऐसे ही सर्व करते हैं, उसको हाथ से खाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा है। और आपको जैसे प्रिपरेशन इसकी दिखाई है वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं अब जल्दी जल्दी से खा लूँ दोस्तों। आप लोगों की फरमाइश पे ही जो है मैंने आज खाने की भी वीडियो डाली है, क्योंकि आप सब कहते हैं कि आप बनाते हैं पर खाते हुए नहीं दिखाते, तो इसलिए मैं खा के भी दिखा रही हूँ। और पूरी गर्मियाँ मैं आपको इसी जगह मिलूँगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मतलब ठंडी ठंडी हवा भी आ रही होती है, और नीचे बैठ के तो मतलब गर्मियों में मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने घर में भी मैं ऐसे ही खाती थी, और यहाँ भी मेरा ऐसे ही है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है।
तो दोस्तों लंच हो चुका है और बहुत ज़्यादा अभी मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सुबह से ही लगे हुए वीडियो बनाने के लिए, एक वीडियो ख़त्म की तो दूसरी स्टार्ट करती हूँ।